हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस एलिमेंट एंड व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ गोंद बाबी की लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही इजी वे में। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 500 ग्राम के करीब आटा और इसमें डाला है 4 से 5 चम्मच के करीब देसी घी। अब इन सभी को अच्छे से लो फ्लेम पर हम 15 से 16 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और फ्लेम एकदम लो होना चाहिए। और हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इस गेहूं के आटे में से अच्छे से खुशबू ना आने लगे। तो 15 से 20 मिनट या 15 से 16 मिनट में भी ये अच्छे से गेहूं के आटे जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। तो अब हमें वेट करना है 15 से 16 मिनट होने का या 20 मिनट होने का। तो अब देख सकते हैं 15 मिनट बाद ये इसका कलर कुछ इस तरीके का आया है और फ्लेम मैंने बिल्कुल ही लो रखा था, बिल्कुल भी मीडियम भी नहीं रखना है। लो फ्लेम पे आप भुनेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम आटा था तो 300 ग्राम के करीब पीसी हुई चीनी मैंने ली है। अगर आप मीठा और खाना पसंद करते हैं तो और भी ले सकते हैं। और साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट लिया है। ड्राई फ्रूट यहाँ पे सभी आप जितना डालना चाहते हैं उतना ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। इसमें मैंने लिया है काजू, किशमिश और नारियल, जो सूखी वाली नारियल होती है वो, और जितने ड्राई फ्रूट मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने इसमें अच्छे से कट करके इसको छान के निकाल लिया था। और आप छुहारा नहीं डालिएगा ड्राई फ्रूट में क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है गोंद और मावे के लड्डू में। तो जितनी भी ड्राई फ्रूट होगी तो इसी तरीके से आप छान के निकाल लीजिएगा प्लेट में। साथ ही मैंने एक थाली में जो आटा रोस्ट किया था गेहूं का आटा, उसको भी मैंने एक थाली में निकाल लिया ठंडा होने के लिए। जब से ये ठंडा हो रहा है हम देख लेते हैं हमें और क्या चाहिए। यहाँ मैंने गोंद लिया था 2 कप के करीब है, इसको मैंने छान के एक प्लेट में निकाल लिया है। आप मार्केट में मांगेंगे गोंद तो ईजीली मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप गोंद और मावे की लड्डू जो बनती है उसमें गोंद इसी तरीके से छान के हमें रख लेना है। और देख लेते हैं नेक्स्ट हमें क्या चाहिए। तो नेक्स्ट मैंने लिया है पॉपी सीड और इसको पोस्ता के दाना भी बोलते हैं, इसको भी मैंने 2 मिनट तक हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया है। आप देख सकते हैं एक साइड में भुना हुआ आटा है और साइड में गोंद भी है और जितने ड्राई फ्रूट थे वो भी हैं। अब क्या करना है, इन सभी को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और अपनी क्वान्टिटी आप बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या करना है। इसके बाद हमने डालेंगे वो जो रोस्ट किया हुआ पॉपी सीड था वो भी हम डाल देंगे और जितना उसमें से ऑयल था मैंने उसको अलग नहीं किया था उसी के साथ हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट डालना है पीसी हुई चीनी। पीसी हुई चीनी मैंने बताया था अगर 500 ग्राम के करीब आटा है तो आप इजीली 300 ग्राम के करीब चीनी डाल सकते हैं। अगर मीठा बहुत पसंद करते हैं तो थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी आप चीनी की बढ़ा भी सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, जो गोंद मैंने छान के रखा था उसको अच्छे से हाथों से मसल लेना है ताकि बिल्कुल भी खड़ा गोंद ना रहे। जो खड़ा गोंद होता है वो बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो इसी तरीके से आप अच्छे से हाथों से उसको मसल दीजिए और जो हल्का फुल्का भी खड़ा है उसको हटा दीजिए। फिर इसे हम लड्डू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हमें डालना है घी। घी मैंने यहाँ देसी घी यूज़ किया है, ये होममेड देसी घी है। आप चाहे तो मार्केट वाली घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब घी डाल के हम इसमें बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। घी भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम ही होना चाहिए। अब इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ध्यान रखना है कि इसमें जो मैंने पीसी हुई चीनी डाली है वो बहुत मेल्ट ना हो, तो उतना ही हमें इसमें गर्म रखना है घी। तो इसी तरीके से हाथों की मदद से हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब तब तक अच्छे से मिक्स कीजिएगा जब तक ये बहुत अच्छे से बराबर मिक्स ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट तक मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसका हमें लड्डू बना लेना है। तो यहाँ मैंने लड्डू बना लिया है और आप भी अगर इन दोनों हाथों से इसी तरीके से प्रेस करेंगे तो इतनी अच्छे लड्डू आपके भी बन के तैयार हो जाएगी, बिल्कुल भी कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये लड्डू बन के तैयार हो चुका है, देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, तो ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए दूसरा लड्डू भी बना के आप सभी को दिखा देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हमें दूसरा लड्डू भी बना के तैयार कर लेना है। और लड्डू बनाना बिल्कुल भी मेहनत का काम नहीं होता, बस आप इसी तरीके से करते रहेंगे और लड्डू बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाती है। अब आप देख सकते हैं दूसरे लड्डू भी बन के तैयार हो चुकी है।
तो ठीक इसी तरीके से बाकी के सारे लड्डू भी मैंने बना के यहाँ, अब आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से ये मावे और गोंद के लड्डू बनके तैयार हो गई है। और ये देखने में जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, खाने टेस्टी लगता है, आप ज़रूर अपने घर पे बना के ट्राई कीजिएगा। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं ठीक इसी तरीके से इजी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अब मैं मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।